हेलो स्टूडेंट्स मैं आपकी इंग्लिश टीचर आयशा और आज मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर ड्रीम चिल्ड्रन का जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं आप लोगों को ये आंसर जो है अपनी कॉपी में जो है लिखने हैं क्वेश्चन आंसर और इन्हें याद भी करना है और वर्ड मीनिंग जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं उन हाइलाइटेड वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी हिंदी मीनिंग आपको डिक्शनरी से देख कर लिखनी है तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड द ऑथर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्यूरिंग हॉलीडेज़ कि जो हमारी जो स्टोरी थी ड्रीम चिल्ड्रन उसका जो ऑथर था वो अपना ज़्यादा समय छुट्टियों के दौरान अपना वो समय कहाँ बिताता था आंसर ऑथर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन अ ग्रेट हाउस इन नॉर्थ वॉक ड्यूरिंग हॉलीडेज ऑथर जो है वो छुट्टियों के दौरान अपना अधिकतर समय जो है वो एक बहुत बड़े जो नॉर्थ वॉक में बहुत बड़ा सा घर था उसमें बिताता था सिकेंड क्वेश्चन वॉट वर द क्वालिटीज़ ऑफ हिज अंकल ऑथर मिस्ड सो मच अंकल जो ऑथर था वो अपने अंकल की किन क्वालिटीज़ को बहुत मिस कर रहा था आंसर ऑथर मिस्ड हिज अंकल्स काइंडनेस एंड हिज क्रॉसनेस ऑथर जो है अपने अंकल की काइंडनेस को और क्रॉसनेस काइंडनेस दयालुता और क्रॉसनेस इरिटेशन उसको जो है वो बेचैनी जो उनकी थी वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था थर्ड क्वेश्चन विच डिजीज वॉज ग्रैंड मदर सफरिंग फ्रॉम जो ग्रैंड मदर थी उनको कौन सी बीमारी थी तो ग्रैंड मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ग्रैंड मदर जो थी, वो कैंसर जो नाम की जो बीमारी है उससे वो पीड़ित थी लास्ट क्वेश्चन वेन शी डाइड हु ऑल अटेंड हर फ्यूनरल एंड वाई जब उनकी मृत्यु हुई शी यहाँ पर ग्रैंड मदर के लिए जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हुई तो उनकी फ्यूनरल शोक सभा को किन लोगों ने अटेंड किया और क्यों आंसर वैन शी डाइट हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाई आ कॉन्सर्ट ऑफ ऑल द पुअर सम ऑफ जेंट्री टू एंड नेबरहूड फॉर मैनी माइल्स राउंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो फ्यूनरल था वो बहुत सारे गरीब लोगों ने अटेंड किया कुछ अमीर लोग भी आए और बहुत दूर दूर से उनके पड़ोसी भी आए थे उन्हें वो अपन उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करने के लिए सो स्टूडेंट्स होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड नाउ गो राइट डाउन दिस एंड लर्न इट वेरी वेल हैव अ ग्रेट टाइम